तीन तस्वीरें आपके सामने, साधुओं की किस तरह से पिटाई की गई, उन्हें निर्वस्त्र किया गया, उनके बाल खींचे गए, बेरहमी से पीटा गया, भीड़ ने घेर करके मारा है, ये वीडियो जारी किया गया, बच्चा चोरी का आरोप लगाया गया, बच्चा चोरी के शक में ये पिटाई की गई। जी हाँ, तो बड़ी खबर यह कि ममता सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह है, बीजेपी ने कहा है। अमित मालवीय की पोस्ट, टीएमसी गुंडों ने पीटा है। लॉकेट चैटर्जी बोली, ममता गुंडों के साथ। तो साधुओं की पिटाई पर ममता सरकार अब घिर गई है। इस पूरे मामले पर क्या कहा जा रहा है आप जरा देखिए। मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया। टीएमसी संरक्षित गुंडों ने साधुओं की बेरहमी से पिटाई की है। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध, इस तरह से जो हमला है बोला गया। अमित मालवीय ने क्या बोला, जो बीजेपी आईटी सेल के हेड है, मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया। इस तरह से बीजेपी अब ममता सरकार पर हमला मार रहे। टीएमसी संरक्षित गुंडों ने साधुओं की बेरहमी से पिटाई की है। और क्या कहा गया, पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है। तो ये जो बात है बीजेपी की तरफ से, इसके अलावा बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने क्या कहा, शाहजहां शेख जैसे आतंकवादियों को संरक्षण और साधुओं की पिटाई, ये लॉकेट चटर्जी जो कि बीजेपी सांसद है उनकी तरफ से हमला बोला गया। बंगाल में हिंदुओं से जुड़ा यह विकट सच है। और रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। रविशंकर, बेहद ही शर्मनाक, शर्मसार कर देने वाला पूरा मामला, क्या जानकारी आ रही, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले में। देखिए, ये जो तीन साधु है और उनका ड्राइवर, वो बरेली से रांची होके पुरुलिया पहुंचे थे और वहां से वो गंगा सागर जाने वाले थे। रास्ता भटक जाने के कारण एक स्कूल में जाके उन्होंने बच्चों से पूछा कि ये जगह कहाँ पे है। बच्चों को उनका भाषा समझ में नहीं आया और उनका वेशभूषा देख के स्कूल के जो बच्चे हैं वो डर गए और जाके स्कूल में अफवाह फैला दिया कि ये तीन साधु आया है जो कि बच्चे लोगों को अपना साथ लेके जाना चाहते हैं ताकि वो उनको एबडक्ट कर सके। अब जाना, बच्चों लोगों को उन्होंने इसीलिए बुलाया था ताकि वो कोई रास्ता दिखा सके। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, ये मिसकंसेप्शन वहां पे हुआ, ये अफवाह वहां पे फैला और ये जो साधु तीन थे उनका वेशभूषा देख के लोग वहां पे घबरा गए और उनको पीट दिया। ठीक है रवि दत्ता, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, इस पूरे मामले में एक और बड़ी अपडेट है। पुरुलिया की घटना पर बीजेपी के नेता हैं शहजाद पूनावाला और उन्होंने भी हमला बोला है। पुरुलिया में पालघर पार्ट टू देखने को मिला। शहजाद पूनावाला ने कहा, बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है, शाहजहां जैसे गुंडों को संरक्षण मिल रहा है। देखिए, बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर है। पश्चिम बंगाल में पालघर जैसी घटना हुई है, बीजेपी ने कहा है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि शाहजहां जैसे गुंडों को पश्चिम बंगाल में संरक्षण मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पालघर पार्ट टू का नजारा देखने मिला। जिस प्रकार से साधु संतों को पीटा गया, टीएमसी के गुंडों के द्वारा मारा गया, गंगा सागर से वो जब जा रहे थे, क्या पालघर पार्ट वन जिस प्रकार से हुआ था उद्धव ठाकरे जी के राज में, आज ममता दीदी के राज में पालघर टू इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर राजनीतिक हिंसा इस चरम पर आ चुकी है, इस लेवल पर आ चुकी है कि वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो ईडी के ऑफिसर्स हो, सेंट्रल एजेंसी के लोग हो, चाहे वो राष्ट्रवादी लोग हो, चुनाव के बाद कुछ लोग हो या साधु संत हो, कोई सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में। ये कानून व्यवस्था की स्थिति हो चुकी है। सवाल यह भी बनता है कि क्या इतनी नफरत, जय श्री राम से इतनी नफरत कि उनको गिरफ्तार कर देंगे, क्या इतनी नफरत हो चुकी है हिंदू होने से कि अगर कोई साधु संत जा रहे हैं तो उनको गुंडे पीट लेंगे, मार लेंगे। और अब जरा दो तस्वीरों से आप समझिए कि आखिर क्यों बीजेपी पुरुलिया की घटना की पालघर पार्ट टू से तुलना कर रही है। ये देखिए, दो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। सबसे पहले 12 जनवरी 2024 यानी कि कल, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया है। एक वीडियो जारी करते हुए बीजेपी ने यह दावा किया है। तो वही 16 अप्रैल 2020 की घटना,
जब महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने यह हमला किया था और इसीलिए पालघर से ही तुलना की जा रही है पुरुलिया की इस घटना की, जो कि पश्चिम बंगाल में घटी है। देखिए दोनों ही जगह आप देख सकते हैं साधु संतों की बुरी तरीके से पिटाई हो रही है और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है।